तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है बोट की तरफ से एक और न्यूली लॉन्च स्मार्ट वॉच जिसका नाम है बोट लूनार कनेक्ट प्रो। ये दोस्तों बोट लूनार कनेक्ट का अपडेटेड वर्जन है। बोट लूनार कनेक्ट को मैं अपने चैनल पर पहले ही रिव्यू कर चुका हूं, जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कुछ नई चीजें इन्होंने ऐड किया, जैसे एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा भी फीचर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसे भी अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसमें क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आगे भी आप कंटेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स के ऊपर में बोट की ब्रांडिंग और दोस्तों यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है मेड इन इंडिया। तो दोस्तों प्रॉपर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। बैक साइड में दोस्तों इसके कुछ की हाईलाइट रखे, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, सेंस AI मिल जाएगा, अपोलो 3.5 ब्लू प्लस फास्ट प्रोसेसर मिलता है, ASAP चार्ज का भी सपोर्ट देखने को मिला, 700 एक्टिव मोड देखने को मिलेगा, एम्बिसेंट लाइट सेंसर देखने को मिलेगा, HR वगैरह देखने को मिल जाएगा और दोस्तों पावर सेविंग मोड भी मिल जाएगा, वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाएगा। अब करते हैं बॉक्स को ओपन। पैकेजिंग कुछ इस तरीके से मिलने वाली, यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी और दोस्तों इस साइड से आपको ओपन करना है। यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच रखी है। वॉच को थोड़ा साइड कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स कॉन्टेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाए, थैंक यू कार्ड दे रखा है और दोस्तों कुछ कैटलॉग वगैरह भी मिल जाएंगे। मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी ठीक लग रही है। लेंथ भी इन्होंने काफी ठीक ठाक दे रखी, तो वॉच को चार्ज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके के आपको स्टिकर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। डिस्प्ले पे दोस्तों इन्होंने एक स्टिकर चिपका रखा है, वो मैं आपको हटा के दिखा देता हूं। डिस्प्ले हमारा कुछ इस तरीके का मिलता है। तो इसके बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों डिजाइन मुझे काफी पसंद आया। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों डायल इन्होंने फुली मेटल से बनाया। इसमें जो क्राउन बटन है वो भी इन्होंने मेटल से बनाया है। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने फुली पॉलीकार्बोनेट का यूज किया, सारे सेंसर, चार्जिंग पिन्स, इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों स्ट्रैप की क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लग रही, सॉफ्ट काफी ज्यादा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो आपके हाथ में रेसेस वगैरह नहीं आएंगे। बकल इन्होंने फुली मेटल से बनाया है और दोस्तों इसमें आपको रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले आपको 1.39 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, 466x466 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों कलर्स वगैरह इसमें आपको अच्छे से दिखाई देंगे, आउटडोर में या धूप में भी यूज करोगे तब भी। और दोस्तों जो आउटडोर की विजिबिलिटी है वो भी मुझे काफी ठीक लगे है। धूप में यूज करोगे तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। और दोस्तों अभी मैं इसे आउटडोर में ही लेके खड़ा हूं, यहां पे काफी तेज धूप हो रही तब भी मुझे इसके डिस्प्ले में अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये वाला वॉच फेस मैंने इसलिए लगाया जैसे आपको इसके डिस्प्ले पे बेजल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थोड़े से ज्यादा मोटे मोटे बेजल्स मुझे इसके डिस्प्ले पे लगे हैं। कनेक्टिविटी की बात करूं तो बोट क्रेस्ट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों इसे मैंने डाउनलोड भी कर लिया और अपनी वॉच को कनेक्ट भी कर लिया है। ऐप की UI की बात करूं तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो में ये वाला ऐप मैं कवर कर चुका हूं, तो वहां से जाके आप इसकी UI भी चेकआउट कर पाएंगे। वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी UI और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों UI मुझे बटर स्मूथ लगा है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है अपोलो 3.5 ब्लू प्लस प्रोसेसर। तो दोस्तों उसकी वजह से इसका जो UI वो काफी ज्यादा स्मूथ है। अगर आप डिस्प्ले पे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे तो दोस्तों यहां से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस आप चेंज कर पाएंगे। ऐप में भी जाके आप इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस चेंज कर पाएंगे। यहां पे आपको पूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप माई वॉच फेस में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से आप अपनी पिक्चर भी लगा पाएंगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपको शॉर्टकट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्टेप्स काउंट देखने को मिलेगा, हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिल जाता है, यहां पे आपको SPO2 मॉनिटर देखने को मिलता है, स्ट्रेस मॉनिटर भी दे रखा है, यहां पे आपको स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप अपने सॉन्ग को नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले, पॉज और दोस्तों वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर पाएंगे। यहां से वेदर अपडेट चेकआउट कर पाएंगे और दोस्तों यहां पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलेगा, यहां पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, फिर से आप होम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। स्वैप डाउन करें तो दोस्तों यहां पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिल जाएगा, बैटरी स्टेटस चेकआउट कर पाएंगे और डेट और टाइम भी इधर से चेकआउट कर पाएंगे। यहां पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है और दोस्तों यहाँ पे आपको DND मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिलता है और दोस्तों बेकअप एंड राइज को ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको पावर सेविंग मोड देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह देखने को मिलता है। तो दोस्तों सेटिंग को आगे चेकआउट करेंगे। आप स्वैप आप करेंगे तो दोस्तों यहाँ से लाइव क्रिकेट स्कोर भी चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वैप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको वही शॉर्टकट कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। मल्टी फंक्शन बटन को दबा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिलता है। मेन्यू में सबसे पहले आपको मिलता है कॉल। अगर आप कॉल में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायल पैड और दोस्तों फोन बुक कॉल हिस्ट्री देखने को मिलता है।
करता है। डायल पैड दोस्तों काफी अच्छे से वर्क करता है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्टिविटी में जा रहे तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, जो डेली एक्टिविटी में आप यूज करते हो वो यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों 700+ स्पोर्ट्स मोड आप ऐप से भी ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, सेंसेस AI देखने को मिलता है। तो दोस्तों सेंसेस AI में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप चूज कर सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग। आपको सेंसेस AI रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलता है, SpO2 मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेस मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर दे रखा है, यहाँ पे आपको ब्रीथ एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, कैमरा कंट्रोल देखने को मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है, वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिलता है, वेदर अपडेट दे पाएंगे, अलार्म देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन सेक्शन, स्टॉप वॉच देखने को मिलता है, टाइमर, फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगा, फाइंड माय फोन का ऑप्शन, और दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह भी मिल जाएगा। सेटिंग को भी चेकआउट कर लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले आपको वॉच फेसेस वगैरह देखने को मिलेंगे, स्क्रीन स्लिप को कम ज्यादा यहाँ से आप कर पाएंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो फीचर देखने को मिलते हैं, सिलेक्ट AOD और रेज टू AOD। अगर आप सिलेक्ट टू AOD में जा रहे हो तो दोस्तों आप अपनी वॉच को एनालॉग और डिजिटल पे रख पाएंगे। अगर आप एनालॉग कर रहे हो तो दोस्तों आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, डिजिटल करेंगे तो आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप रिंग टोन तो दोस्तों आप अपनी वॉच को साइलेंट मोड पे भी रख पाएंगे, और दोस्तों आप अपने तरीके से रिंग भी यहां से चूज कर पाएंगे। बेकअप एंड गेस्चर को ऑन ऑफ कर पाएंगे, वाइब्रेशन मोड पे रख पाएंगे, आप अपनी वॉच को डू नॉट डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, बैटरी सेवर देखने को मिल जाएगा, यहां पे आपको सिस्टम ऐप QR कोड देखने को मिलता है, अबाउट रेगुलेटरी। तो ये थे वॉच के फीचर और UI दोस्तों मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगा, यहां पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों प्राइस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ फीचर मिसिंग है, जैसे कि कैलकुलेटर और गेम्स। कि बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो बैटरी बैकअप मुझे काफी ठीक लगा। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए हैवी यूज करोगे तो वहां पे 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए नॉर्मली यूज करो तो वहां पे आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप इसे विदाउट कॉलिंग यूज करो तो दोस्तों वहां पे आपको 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें आपको ASAP चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, 30 मिनट में लगभग आपकी वॉच फुल चार्ज हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर तो मिल ही रहा है, उसके साथ आपको एम्बिसेंट लाइट सेंसर भी मिल जाते हैं। ये वॉच आपको वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाती है, तो दोस्तों पानी की थोड़ी बहुत बूंदें इस पे गिर जाएंगी तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। साबर वगैरह में यूज कर पाओगे, और दोस्तों हैंड वॉश करते टाइम भी यूज कर पाओगे, और दोस्तों वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों स्विमिंग करते टाइम आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। रही बात इसके सेंसर की एक्यूरेसी की, तो दोस्तों हर एक वीडियो में बोलता हूं, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो इन सब वॉच के सेंसर पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये कोई सर्टिफाइड सेंसर नहीं होते हैं। इसके सेंसर सिर्फ आप आइडिया लेने के लिए यूज करो, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको कोई मेडिकल इक्विपमेंट ही यूज करना है। तब भी दोस्तों मैं अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ इसके सेंसर की रीडिंग आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके सेंसर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट की रीडिंग को चेकआउट किया तो मेरी वॉच में 77 बीट्स पर मिनट दिख रहा है, और दोस्तों मेरे प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में अभी 72 हो चुका है, तो दोस्तों लगभग यहां पे सिमिलर रीडिंग मुझे मिल रहे हैं। SpO2 मॉनिटर की जो रीडिंग है वो भी मुझे लगभग सिमिलर दिख रहे हैं, मेरे वॉच में 97% दिखा रहा है अभी मेरे ब्लड में ऑक्सीजन, और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 99% दिखा रहा है। सरफेस पे रख के इसके सेंसर को चेकआउट किया तो दोस्तों यहां पे इसने एरर दिखा दिया, तो दोस्तों बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर इसमें अच्छे से वर्क कर रहा है। वॉच का इन हैंड लुक कुछ इस तरीके का आने वाला, वेट लगभग इसका 68 ग्राम है, तो दोस्तों ज्यादा वेटेड भी नहीं है, अगर आप इसे स्लिप ट्रैकिंग के लिए यूज करोगे तो कर पाओगे। और दोस्तों इसमें जो बेकअप एंड राइज वाला फीचर है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत जल्दी से आपका डिस्प्ले बेक हो जाता है। कॉलिंग वाले फीचर को भी टेस्ट करके देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन और स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हेलो, हाँ यार, मेरे पास एक बोट का स्मार्ट वॉच है, अभी मैं उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ, तो ये बताओ इसके माइक्रोफोन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहे हैं, क्लियर वॉइस है। क्लियर है ना, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं। अच्छा ये बताओ जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर से बात कर रहा हूँ मैं? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है ना, चलो ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों अब बात आती है 3499 में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर दोस्तों आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों 3499 में वैल्यू ऑफ मनी स्मार्ट वॉच ये मुझे लगे है। अगर आप इसे परचेज करना चाह रहे हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप आसानी से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों यही था बोट लूनार कनेक्ट प्रो स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना,
चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आगे भी आप कंटेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।